खाना चाहे कितना क्यों ना बनाओ, खाने के साथ चटनी मिल जाए ना तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको, ऐसा ही होता है ना? कहते हैं ना, 100 पकवान एक तरफ पर चटनी के साथ खाना एक तरफ। इसलिए हम बनाने जा रहे हैं आज लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी। ये सबकी फेवरेट होती है, आपकी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो क्या कहते हैं, बनाना शुरू करें? इसके लिए मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है, जो साबुत लाल मिर्च आती है। उसको मैं 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दूंगी। जब तक ये भीग रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसे पहले आप उसको देख पाएं। मिर्ची अच्छे से भीग गई है, नरम हो गई है। इसका पानी निकाल के इसको एक जार में ले लेंगे हम पीसने के लिए। अगर आपको कम तीखा चाहिए ना, तो इसके बीज आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये मिर्ची नहीं है ना, तो आप मिर्ची पाउडर भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें लहसुन की 15-20 कलियां डालेंगे, साबुत जीरा 1 चम्मच डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के हल्का सा पानी डालेंगे, जितना हमें चाहिए पानी। पानी डाल के और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाना है, मोटा मोटा नहीं पीसना है इसको, ये स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद इसको हम लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल से इसका स्वाद बढ़ जाएगा, काफी टेस्टी लगती है ये। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, उसमें एक चुटकी नमक डालेंगे। इससे ये तेल का कच्चापन का जो स्वाद रहता है ना, वो निकल जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, जीरा, और जैसे ही चटक जाए, हम चटनी पीसी हुई जो चटनी है वो डालेंगे। और गैस को बिल्कुल धीरे करके और इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये साइड में तेल ना छोड़ देना। इसको अच्छे से पकाना है। पकाने से क्या होगा, आप इसको स्टोर करके ना काफी दिन तक फ्रिज में रख सकते हो, और जब मन करे खाने के साथ खा सकते हो। काफी टेस्टी लगती है, मजेदार बनती है ये, तो आप जरूर इसको ट्राई करना, आपको श्योर बहुत पसंद आएगी। आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। थैंक यू सो मच।